पुष्पा देवी। पुष्पा देवी नाम आपका। आप विकलांग हैं, आपको बीजेपी सरकार से क्या लाभ हुआ है अभी तक? कुछ भी नहीं बाबू। साइकिल नहीं मिला? नहीं मिली बिल्कुल भी। बिल्कुल पहले लड़का के खवाई लियो, ये सब वाली बात नहीं होती। मतलब रुपया रुपया भाग दिए, सबको बांटा गया था, सबको साइकिल मिली थी, रिक्शा मिला था, हमें नहीं मिलो कुछ। आपको बिल्कुल नहीं मिला? नहीं मिला। कौन सा गाँव है आपका? बरौली। बरौली है। तो अभी चुनाव आ रहा है ना, तो किसको सपोर्ट करोगे अब की बार? अब फायदा मिली इतना मिली, हमें तो नहीं मिली। आपको कोई फायदा नहीं मिला? कोई फायदा? बीजेपी सरकार से कोई फायदा? कोई फायदा नहीं लगा। कॉलोनी नहीं दी ना, हमारा शौचालय बनवाया है। प्रधान भी खा गए, हमारे पंचायत घर में ड्यूटी लगी थी वो भी खा गए प्रधान। मतलब क्यों कहा? चलो जहाँ सरकार बहुत दो बार तीन बार बन चुकी है, अब का धरे को तो मौका मिला नहीं। पेपर लीक हो जाता है। कौन सा पेपर लीक हो गया? पुलिस का। पुलिस वाला आपने डाला था? यस। तो 450 सिलेंडर गैस कनेक्शन फ्री करवाए हैं? अरे फ्री कराए हैं, बस सब्सिडी साइकिल लिखा लेते हैं। आप बताइए 462 वाला आज 11-11 साइकिल है, 5 साल में बताइए। आप झूठ की सरकार है, झूठ की सरकार है। कोई विकास नहीं हुआ आपके? कोई विकास नहीं है आपके गाँव में? कोई विकास नहीं करवाया? अच्छा अभी जो है और अगर चुनाव आए और बुजुर्गों से बातचीत ना की जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो अभी हमारे साथ में दादाजी हैं। दादा क्या नाम आपका? जगदीश। कौन सा गांव है दादा? गांव का नाम भरौली। भरौली। दादा हमने सुना है भरौली में सब लोधी समाज के लोग रहते हैं। दादा अभी चुनाव है, तारीख पता है? क्या तारीख को चुनाव है? 13 तारीख को। तो आपके सामने तो बहुत लोग आए होंगे, जीत के हार के चले गए होंगे, हर स्थिति गुजरी होगी। 2024 में आप किस तरीके से देख रहे हो? क्या विकास हुआ कुछ बीजेपी सरकार? बीजेपी हमारे यहाँ सब बीजेपी में है। आप क्या सब बीजेपी में आएंगे? जी साहब, पूरा लोधी समाज जो है बीजेपी में जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले जो कहते हैं कि हमने लोधी बोर्ड खरीदे हैं, आपको सुना मिला था कुछ? झूठी कही कौन कही झूठी कही। अच्छा, लोग कहते हैं कि लोधी बोर्ड जो है खरीदे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। खरीदे थे बोर्ड? बोर्ड हमें नहीं मालूम, खरीदे कि नहीं खरीदे हमें मालूम है। वो तो लोग कहते हैं कि लोधी बोर्ड मैंने खरीदे हैं, इसलिए लोधी बोर्ड है, हमने खरीदे हुए। आप किसको वोट कर रहे हो? हम तो नहीं करता। किसको? पाठक जी को। सुब्रत पाठक को। राम मूर्ति। कौन सा गांव है माँ? भरौली है। भरौली है। हमने सुना इस गांव में टोटल जो है लोधी समाज के लोग रहते हैं। लोधी है। अच्छा अच्छा, लोधी वहाँ और जाते हैं। अच्छा ये जानना था, 5 साल में क्या क्या विकास हुआ आपके गांव में? क्या क्या फायदा मिली है? तो हम अब फायदा मिली इतना मिली, हमें तो नहीं मिली। आपको कोई फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं। बीजेपी सरकार से कोई फायदा? कोई फायदा नहीं लगा। अच्छा, मतलब घर में कोई कॉलोनी मिला किसी? नहीं नहीं। शौचालय मिला? नहीं। गैस कनेक्शन हुआ? हाँ कनेक्शन भाव। राशन मिलता है? हाँ राशन मिले। तो क्या चुनाव आ रहा है, क्या लगता है आप लोग जो है इस बार किसको वोट सपोर्ट कर रही हैं? अब हम आ गए, हम कहा बताए रहे हैं। अच्छा कौन लगता है, अखिलेश या सुब्रत पाठक? अब जाने के नहीं, अब हम कहा बताए नहीं। क्या मतलब आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे? आप लोग तो जो है बोर्ड देती है ना, बोर्ड तो बना होगा। अब तो बोर्ड तो बना हुआ है, अब जो लड़का ही लड़का अपने अब सोचा थे ना, दिए दिए। अच्छा फायदा हुआ है, राशन बस और कुछ नहीं? और माँ अलोनी सालोनी कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, आप बताइए दादी माँ आपका क्या नाम है? रूबी। किसको सपोर्ट कर रही हूँ आप? भैया का बता मैं देखो। बीजेपी सरकार से लाभ क्या क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, जय कोई लाभ नहीं हुआ है, जय राशन नहीं मिलता। उल्ली राशन मिलता है आपके गली मोहल्ले की सड़कें वगैरह, पानी वगैरह आता है सबको? पानी आ नहीं तो आ। अच्छा तो किसको सपोर्ट कर रही हो? भाई तो हम नहीं खुल कर बता सकर। तो अभी देखो और भी हमारे साथ में महिलाएं और पुरुष हैं और नव युवा भी हैं, इनसे जानते हैं कि 2024 में ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कितने लाभ हुए हैं लोगों को अभी तक। अभी देखो एक रणवीर। कौन सा गांव है? भरौली। अभी चुनाव आ रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हो? भैया सपोर्ट हम उनके लिए ना बता रहे कि नहीं। हाँ कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ सब आदमी? में सब आदमी साइकिल में। साइकिल में? साइकिल में क्यों जा रहे? क्यों जा रहे? हाँ अब तुम समझो का मारे जा रहे। मतलब क्या विकास नहीं हुआ क्या? कछु ना ही भवे जमे तो भवे जो कुछ हुआ नहीं है आपको, कोई फायदा नहीं हुआ है, साइकिल में जा रहे हो? साइकिल में साइकिल में जा रहे हैं।
अभी देखो इधर देखो साइकिल वाले जो है गांव का प्रचार भी कर रहे हैं और एक तरफ जो है बीजेपी वाले भी अपना प्रचार के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ की महिलाओं से थोड़ा बातचीत। दादी आप बताओ ना किसको दे रही हो वोट, किसको वोट करोगी? मुलायम सिंह को तो वोट करोगी, खुल के बोलो थोड़ा। और कोई देखा है? किसी का डर है क्या? नहीं डर लगता है कि अगर बोल रहे दिक्कत होगी? नहीं नहीं। दादी आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? अब हम तो इतने पढ़े लिखे ना नहीं, बोल किसको दोगी वोट? अखिलेश को। आप किसको? अखिलेश को। अखिलेश को अकेले क्यों पीछे बैठेगा? नहीं भाई, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट किसको कर रहे हो? बोलते नहीं ना, बता रहा है। साइकिल में दे रहे? साइकिल में दराने बैठे हैं, साइकिल में नहीं खुले। साइकिल में आइए और भी थोड़ा चलते हैं। अच्छे दिन साइकिल ये करके यहाँ पे। अच्छा साइकिल साइकिल आपको कोई बीजेपी सरकार लाभ नहीं हुआ क्या? नहीं कोई लाभ नहीं। अच्छे दिन आने वाले थे। हाँ जब आज तो अब रेडी पटरी वालों को 1000 रुपए महीने मिलते हैं आपको? बाबा तो मानते हैं 1000 रुपए महीने आपको मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। नहीं मिलते ना। और भी जब यहाँ पर और भी लोग हैं। देखो दादाजी, दादा क्या नाम आपका? क्या नाम? राम जन्ना। अभी चुनाव आ रहा है 13 तारीख को, पता है किसको सपोर्ट कर रहे हो 2024 में? वोट। हाँ किसको वोट दोगे, अखिलेश को या सुब्रत पाठक को? पहले भैया हमारे को पाठक करो तो हमारे पाठक नहीं करो या कुछ नहीं। कुछ विकास नहीं किया उन्होंने? नहीं। मतलब सुब्रत पाठक को वोट नहीं दोगे आप? ये कहना चाह रहे हो अखिलेश को दोगे? हमारे साथ और भी दादा है जो की बहुत ज्यादा बुजुर्ग है। दादा क्या नाम आपका? हमारा गाँव है। कौन सा गाँव है? मरौली। मरौली है। चुनाव आ रहा है, जानकारी है आपको? हाँ। चुनाव पेंशन मिलता है आपको? हमें नहीं। पेंशन नहीं मिलता है? तो अभी बीजेपी सरकार में आपको पेंशन भी नहीं मिलता है? किसको आप सपोर्ट कर रहे हो फिर? सपोर्ट कर दे, सपोर्ट। आप वोट किसको करोगे? आपको कौन अच्छा लगता है, सुब्रत पाठक या अखिलेश? तो अखिलेश रख दिए। अखिलेश यादव जी को और सुब्रत पाठक जी को क्यों नहीं दोगे? उन्होंने तो अच्छे दिन आने का वादा किया था। अच्छे दिन आए हैं, घर घर में पानी है, शौचालय है, बत्ती है। जब अब जो सड़ो बाजरा अब कबाऊ लगे आपका। मतलब सड़ा बाजरा? हाँ राशन में बाजरा मिलता है आपका? है बाजरा मिलता तो 5 किलो मिलता है बता रहे हैं। हाँ। ओ अखिलेश को सपोर्ट करो। हाँ दादा आप? अखिलेश से। अखिलेश को मतलब क्यों? मतलब क्योंकि आप चलो जहाँ सरकार बहुत दो बार तीन बार बन चुकी है, आपका दूसरे को तो मौका मिला कि अच्छा अच्छा मतलब दूसरे का मौका मिलना चाहिए। इस सरकार से आपको क्या क्या दिक्कत? बीजेपी सरकार से क्या फायदे क्या लाभ हुए कुछ बताएंगे? बीजेपी सरकार से एक ही केवल फायदा है, जो बहन बेटियां आए हैं वो केवल आवागमन उनके लिए सुरक्षित है। मणिपुर वाली घटना पता है आपको? हाँ। क्या हुआ था हाथरस वाले में? क्या हुआ था? अरे हाथरस वाले जय बहुत उनका। तो फिर क्या लगता है आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अब तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। फायदे हुए इतना बताइए। कॉलोनी मिला? हमें नहीं मिली कॉलोनी। घर में शौचालय? शौचालय खाली मिलो है। अच्छा राशन? राशन तो मिल ही रहो है। तो अभी चुनाव आ रहा है 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, वोट तो आपका बना होगा। हाँ। किसको सपोर्ट कर रही हो आप? जो नई सरकार को बनाई है। नई सरकार को? हाँ। मतलब कि अभी यहाँ से कन्नौज से ना सुब्रत पाठक जी हैं और अखिलेश यादव जी हैं, तो आप किसको सपोर्ट कर रही हो? अब जो अब मोदी जी थे तो हम सबको लाभ मिलो, हमें कोई लाभ ही नहीं मिलो। तो अब हम तो सोच रहे कि जो हमारी मदद करे हम उसी को देखें। अखिलेश यादव जी को? बिल्कुल अखिलेश यादव जी। वही तो कह रहे। पुष्पा देवी। पुष्पा देवी नाम है आपका। आप विकलांग हैं, आपको बीजेपी सरकार से क्या लाभ हुआ है अभी तक? कछु नहीं है बाबू। साइकिल नहीं मिला? नहीं मिलो बिल्कुल भी। बिल्कुल पहले लड़का के में कमाई लियो, ये सब वाली बात नहीं होती। मतलब रुपया भाग दी है सबको, बांटा गया था सबको, साइकिल मिली थी, रिक्शा मिला था, हमें नहीं मिलो कुछ। आपको बिल्कुल नहीं मिला? नहीं मिला। कौन सा गाँव है आपका? बरौली। बरौली है। तो अभी चुनाव आ रहा है ना, तो किसको सपोर्ट करोगी अब की बार? अखिलेश भैया बनाई थी पेंशन, बीजेपी सरकार में नहीं आई है? बीजेपी सरकार में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला बिल्कुल भी। देख लो तो अभी हमारे साथ में बरौली के कुछ लोग भी हैं। दादा अभी चुनाव आ रहा है, पता है आजकल जगह जगह पे चुनावी चर्चाएं चलती हैं। तो अभी 10 साल से बीजेपी सरकार है, पता है ना आपको? 10 साल से? 10 साल है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ क्या लाभ हुआ है अभी तक बीजेपी सरकार से? कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं? एक किलो बताइए, बताइए क्या लाभ? कोई लाभ नहीं।
आप बताओ, आप बताओ। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, मतलब कालोनी देने की बात हुई थी, कोई लाभ नहीं। शौचालय कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। तो अभी 15 लाख रुपए किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं भाई। आप लोग किसान है? हाँ। किसान है, किसान है। आय दुगनी हुई या नहीं? नहीं भाई। यंत्र पर, कृषि यंत्र पर सब्सिडी मिलती है? नहीं नहीं मिलती। कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। तो चुनाव आ रहा है, किसको सपोर्ट करोगे? अखिलेश। अखिलेश को? दादा आप? अखिलेश सुबह है। क्या नाम सर आपका? सचिन कुमार। आपका भैया? अनिल कुमार। अनिल कुमार, सचिन कुमार और अनिल कुमार जी, बताइए 13 मई को चुनाव है, पता है आपको? पता। 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है, आप लोग किसान भी होंगे? बिल्कुल किसान है। किसान की आय दुगनी हो गई या नहीं? कभी नहीं हुई, ना हो। क्यों नहीं होगी? मतलब यहाँ के सांसद महोदय के भी एक बार गांव में जनता देखने तरस रही, सांसद महोदय के भी आए एक बार? मतलब वो तो जगह जगह भ्रमण करते हैं और जमीनी नेता है वो, तो यहाँ कभी आए? हम क्या जाए, जमीनी है कौन सा है। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को क्यों? क्यों, बढ़िया नेता, अच्छा युवा नेता है। अखिलेश यादव ने क्या क्या कराया? सब कुछ कराया। अखिलेश यादव के राज्य में गुंडागर्दी होती है ऐसा बोलते हैं विपक्षी? कभी नहीं हुई। गुंडागर्दी होती है, लोग कहते हैं चोरी डकैती चालू हो जाती है, कभी ये सब झूठ में कह गए। आप लोग क्या सपा को सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल। आप सपा को? सपा में अखिलेश यादव ने सिर्फ अपने परिवार के ही लोगों को सीट दी है, अदर लोगों को नहीं दिए, फिर भी आप ये बीजेपी वाले कहते हैं। आप सपा वाले हो? हाँ। आप भी सपा वाले? हम कोई नहीं आए, हम किसान आए, हम लेके अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे, मतदान करेंगे अखिलेश यादव को। अम्मा बताएंगे सही सही बात, अम्मा क्या करोगी बताओ, चुनाव आ रहा है, क्या है माहौल? हम तो अखिलेश को देंगे वोट। अखिलेश को क्यों, मतलब अखिलेश को क्यों? आपका अखिलेश ने क्या अच्छा काम कराया? अखिलेश ने सब अच्छा काम करवाया। बीजेपी ने कुछ नहीं कराया? कुछ नहीं कराया। क्या नहीं कराया बताइए? कुछ नहीं कराया। कॉलोनियां दे दी है, गलियां है, बत्ती है, शौचालय है, क्या नहीं कराया? हमें एक कॉलोनी नहीं दी, ना हमारा शौचालय बनवाया है। प्रधान खा गए बीजेपी के राज्य? प्रधान भी खा गए, हमारे पंचायत घर में ड्यूटी लगी थी वो भी खा गए प्रधान। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? अखिलेश को। अखिलेश भैया? हाँ अखिलेश। अभी चुनाव आ रहा है 13 मई को, पता होगा आपको। तो अभी आप जो है किसको चुनाव में ला रही है इस बार? अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया को क्यों ला रही है? बीजेपी आपसे कोई फायदा नहीं? बीजेपी को पढ़ाई रात दिन करते हैं, नौकरी मिलती नहीं, पेपर लीक हो जाता है। कौन सा पेपर लीक हो गया? पुलिस का। पुलिस वाला आपने डाला? यस। पेपर लीक हो गया आपको, मतलब कई बार आपने फार्म वार्म डाले हैं? 2-3 बार डाले। नौकरी मिली? नहीं। तो किसको सपोर्ट कर रही हो? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया को? अखिलेश भैया की सासु में नौकरी मिल जाती है? यस। नौकरी मिल जाती है पक्का? खूब। तो अभी देखो, हम इस समय भरौली गांव में थे और यहां के युवा और महिलाएं और बेटियां जो है सब अखिलेश भैया को चाहती हैं। आप लोग किसको चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी हमारे साथ में जो है यहाँ कन्नौज की जनता है, कन्नौज की जनता से जानते हैं कि अभी जो है किसको इस बार जो है सीट मिल रही है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है, कन्नौज की जनता से जानते हैं। क्या नाम आपका? भरौली। क्या कौन सी जगह है? भरौली। भरौली है दादा। अभी चुनाव आ रहा है, जानकारी है कुछ? चुनाव कब है? 13 तारीख। 13 तारीख को। तो क्या लग रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? साइकिल। साइकिल में आप जा रहे हो? आप दादा? साइकिल। दादा आप? साइकिल में देंगे वोट। साइकिल में देंगे। आप दादा? साइकिल। दादा आप? साइकिल में लगाएंगे। आप? साइकिल। दादा आप? साइकिल में। मतलब कोई साइकिल? साइकिल, सब साइकिल। साइकिल क्यों? साइकिल क्यों? नौजवानों को, नए लड़कों को चाहिए नौकरी। बीजेपी में। आपका नाम क्या है? प्रांजल चतुर्वेदी। अच्छा अच्छा, मतलब कि सपा को, आपको सपा क्यों चाहिए? आपको सपा चाहिए क्योंकि काम करवाने हैं, सपा सरकार में काम होते हैं, जनता की सुनवाई होती है, ना कि जनता की सुनवाई करने के लिए उपलक्ष में आदमी को मारा जाए, थाने से भगा दिया जाए। जो बीजेपी के सपोर्टर है सिर्फ उनकी ही बात सुनी जाती है, ऐसा ना हो। बीजेपी में इतना सुनवाई नहीं होती क्या? नहीं सुनवाई होती है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है बीजेपी में। मतलब बीजेपी में कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी। बेरोजगारी हो? बेरोजगारी, गरीबों का हलाल हो रहा है, गरीबों को परेशान ज्यादा किया जाता है सरकार का। 5 साल में बीजेपी के जो कार्यकर्ता, बीजेपी के जो नेता लोग हैं, बताते हैं घर घर में कॉलोनियां दिवा दी है, घर घर में शौचालय कर दिया है, राशन फ्री मिल रहा है, नहीं मिलता है राशन का फ्री मिल रहा है, और 1 किलो चना, वो 1 किलो फरगानो, 1 किलो बाजरा, क्या बताओ पिछले महीने वाले तो नहीं, वो जो कहाँ पीस हो जाए।
मतलब यूनिट के हिसाब से मिलता है। अरे यूनिट हिसाब मिलता है वो मानते हैं, सरकार देती है सारा रेट चीज, सरकार कोई चीज पीढ़ियों में थोड़ी देती है, दुर्पयोग के लिए देती है। कहूँ चुना कहूँ कुछ उड़ रहो कहूँ कुछ उड़ रहो बताओ। और जितनी आप बताइए उसने 5 किलो राशन एक महीने में दे दिया है एवेक के लिए, तो 5 किलो राशन में पूरा महीना कट जाएगा नहीं कटेगा? और उसने सिलेंडर एक महीने में कितना बढ़ा दिया आप बताइए, जो 450 सिलेंडर गैस कनेक्शन फ्री करवाए हैं। अरे फ्री कराए हैं बस सब्सिडी साइकिल लिखाते लेते हैं। आप बताइए 462 वाला आज 11 सही का है, 5 साल में बताइए। आप झूठ की सरकार है, देखिए झूठ की सरकार है, कोई विकास नहीं हुआ आपके, कोई विकास नहीं है आपके, तो हमको विकास नहीं करवाया। अच्छा अभी जो है आप लोग लोधी समाज से आते हो, तो लोधी समाज जो है ऐसा तो नहीं है कि अभी सांसद जी ने जब बता रहा बोल दिया था कि लोधी समाज के वोट को मैंने खरीदा था तो इसलिए आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, उन्होंने अपमान किया हम लोगों को, लोधियों लोगों का उन्होंने अपमान किया। एक हमने वोट खरीदे हैं, इन्होंने हमको दिए नहीं, हमने खरीदे हैं, बताया हम लोगों का अपमान होगा तो क्या होगा? जब बेरूप सरकार में सत्ता में रहते हुए अपमान हम लोगों को, हम क्या फायदे वोट दे रहे हैं? खरीदे हैं वोट बता रहे, बता रहे हैं पाठक जी सुनने मिला था वोट खरीदे हैं बोला था पाठक जी ने बोला चढ़वा में, क्या कहा उन्होंने कि लोधी वोट कहाँ जाएगा, मैं तो खरीद लूंगा, पिछली बार भी खरीदा है इस साल भी खरीद लूंगा। हाँ इस साल भी खरीद लूंगा। बिक गया वोट? वोट कैसे बिक जाता है? मतलब वोट की वैल्यू बहुत होती है दुग्धा, मतलब कि ये बताओ क्या विकास हुए थे बीजेपी सरकार में? कोई विकास नहीं। तो आप लोग क्या पलटवार कर रहे हो? हाँ पलटवार कर रहे हैं। किसको सपोर्ट करोगे? साइकिल को। साइकिल को? हाँ सरेआम। सरेआम तो अभी जो है भैया और लोग भी है, क्या नाम आपका? अकेला। क्या आप बताइए किसको सपोर्ट कर रहे हो? साइकिल को। साइकिल को? सब साइकिल में बीजेपी से बुराई है भैया? ये भैया युवा है थोड़ा इनसे बात करते हैं। भैया आप बताइए, भैया अभी जो है आप कितना पढ़े लिखे हैं? बीएससी। नौकरी क्यों मिली? कुछ नहीं मिला, घूम रहे ऐसे। कब से प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए? हो गए 3-4 साल, कोशिश करना ही छोड़ दिया। आपसे कोशिश करना छोड़ दिया है? खेती पाती भागे हैं। तो चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में आपको क्या लगता है कि आप क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव को? इस बार अखिलेश भैया आए, अखिलेश भैया आए 101%। अभी जो है इस समय हम कन्नौज के भरौली गांव में है, और चलिए अंदर भी पता करते हैं लोगों से कि इस बार कन्नौज की जनता का मूड क्या है।